अस्सलाम वालेकुम। तो यार कुछ बात ऐसी है कि 28 रोजे गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक किसी ने इफ्तारी पे नहीं बुलाया, और ये बात मेरे दोस्तों के लिए बे इंतहा शर्मनाक है। तो बस अब जो इफ्तारी नहीं करवाएगा समझ लो वो अपना दोस्त नहीं है, जिसने जाना है वो जाए, जो इफ्तारी नहीं करवाएगा हमारी समझ लो वो हमारी तरफ से पुरबाश है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले मैं अपने घर से करता हूँ, मैं अपने हर यार दोस्त को याद करवाऊंगा कि अभी हम जिंदा हैं। तो पहला जरा बंदा शर्मिंदा करना तो कहना भरा ही अपना, जेडे भरावान की इफ्तारी नहीं करवा सकते वह भरावान तो असं पुरबाश हाँ, वो चाहवान तो साढ़े अपने तलकात खत्म कर सकते हैं, जेडे भरावान की इफ्तारी नहीं करवाते असं उन्होंने पुरबाश हाँ। ठीक है, जेडे भरावान की इफ्तारी नहीं ना करा सकते वो चाहवान साढ़े तलक खत्म कर सकते हैं। अच्छा, 28 रोजे गुजर चुके हैं, किसी भरा ने इफ्तारी नहीं करवाई, कराओ थोड़ी इफ्तारी करवाने इफ्तारी आज इफ्तारी कराने इफ्तारी चलसी अज लगता है इफ्तारी कोई खास चीज ही है। दरवाजे कि ले जा रहे हैं, चलो चल आखिरी गल दफा हो जा, जेड़ा बंदा तेरी इफ्तारी करावे तू उतों को इफ्तारी करके घर बना, दफा हो जा चल बेबे आज की रोटियां कैंसल है, चल निकल दफा हो जा, चल को मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। आखिरी गल इतने बैठ के इफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं किनों के बंदा आवे जेड़ा इफ्तारी इफ्तूरी करावे। आ वेखो इतने बैठ के बाजार च कोई शह नहीं है, इंतजार हो रहा। ओ राम राम साहब, वेलकम सर वेलकम, आओ मैं लगे कोई थोड़े वर्गा बंदा लभ रहा, नेक बंदा आवे कोई, आ जाओ आ जाओ आ जगह जो थोड़े वास्ते मैं साफ कर दी, आओ बैठो सर, आओ जी आओ 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 सर आओ। इफ्तारी नहीं करवा सकते पुरबाश हैं, चावन सना तलकात अपने खत्म कर सकते ने जो यार इफ्तारी नहीं करवाते। चल सही है, किधर भाई तेरा मेरा तल्ला खत्म, मेरा तल्ला खत्म। अब देख लो यार आए इस बंदे ने धोखा कर दिता है, हुन कोई नवा बंदा लभदे। A few moments later. रोजा इफ्तारी का टाइम आया ना, कोई यार काम आया ना बड़ा भाई, अब ये छोटे बच्चे से पूछते हैं रोजा इफ्तार करना कि नहीं करना। नहीं। क्यों? नहीं करना। कहने रुक गया। बाबा। मैं गिरा हुआ बंदा जमाने च बली है। आ हालात ने पाकिस्तान के बच्चों के, बच्चे भी साडी गल नहीं मान रहे, ये दुनिया दोजख की तरफ जा रही है, क्यों नहीं तुसी मान रहे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। तो मेरा एक दोस्त है, मुझे उस पर बहुत इतबार है, उम्मीद है कि वो तो इफ्तारी करवा ही देगा, तो अभी मैं उससे कॉल करता हूँ, और ये कॉल जा रही है अभी देखते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और ठीक। अच्छा यार मैं तेनू कॉल इसलिए की थी कि 28 रोजे गुजर चुके ने, तो कोई इफ्तारी करवा दे यार। मैं क्या 28 रोजे गुजर चुके ने, इफ्तारी करवा दे। हेलो, और मैं क्या 28 रोजे गुजर गए ने, कोई इफ्तारी करवा दे। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, और मैं क्या 28 रोजे गुजर गए ने, इफ्तारी करवा दियो। हेलो, मैं कह रहा वहां 28 रोजे गुजर गए ने, इफ्तारी करवा दियो। आ हालात उस्ताद। तो गाइस आपने देख लिया, ये भी दोस्त था बड़ा, मुझे इस पे इतबार था, बस दोस्तियां कुछ नहीं होती। जब आपका रजा कोई ना इफ्तार करा सका तो फिर चुपचाप मस्जिद में चले जाओ अल्लाह के घर पे, क्योंकि इधर तो साहब करवा ही देता है। तो अभी हम मस्जिद में आ गए, इधर से इफ्तारी करेंगे, यार दोस्तों ने तो करवाई नहीं है। चलो उठ के जा, प्लेटा बेटा तो मैं इफ्तारी करना है, तुम नहीं पता गया, चल काम कर, तुम ही प्लेटा बेटा तो मैं पूरे भाव ने इफ्तारी करना है थोड़े को मस्जिद में। Oh, my God.